गया और इसे बचा लिया गया। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता मनोज से। मनोज, काफी हैरान करने वाला ये वाकया था और जो तस्वीरें हम देख पा रहे थे, जो हम तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे थे, उसमें ये देखकर काफी हैरानी हो रही थी कि इतना तेज बहाव था नर्मदा नदी का, लेकिन ये बच्चा अधिक एक जगह पर खड़ा था। जी रीना जी, देखने से ऐसे ही लग रहा की बच्चा अपने आप में उसके साहस की तारीफ करनी चाहिए, क्या वो मतलब एक उसको गॉड गिफ्ट बोल सकते हैं कि इतने नर्मदा के तेज बहाव में भी वो स्थिर खड़ा रहा और बच गया है। जी रीना जी जी, साथ ही आपसे ये जाना जाएंगे कि कितने घंटे ये बच्चा इस पानी में फंसा रहा और आखिर इसके माता पिता का क्या कहना है, आखिर ये बच्चा यहाँ तक पहुँचा कैसे और अचानक से तेज बहाव के बीच में कैसे फंस गया। देखिए रीना जी, इसमें ज्यादा जानकारी तो प्राप्त नहीं हो पाई, पर जिस प्रकार से बच्चा देखा जा रहा है तो काफी समय से लग रहा था कि ये फंसा हुआ है। फिर उसके बाद तो कुछ लोगों की नजर गई है, उससे बताया गया है कि कैसे ये बचाया गया। जी, साथ ही जिस तरीके से इस बच्चे को बचाने की अगर बात की जाए तो लोगों ने वहां पर साहस जुटाया इस पानी के बीच में घुसने के लिए, जिस तरीके का तेज बहाव था, लेकिन ये बच्चा वहां पर स्थिर खड़ा हुआ था। कितना वक्त लगा इस बच्चे को पानी से बाहर निकालने में, तो तस्वीरें आपने देखी कि किस तरीके से ये बच्चे को बाहर निकाला गया है। यही वो छोटा सा बच्चा है जो नर्मदा नदी के तेज बहाव के बीच भी स्थिर खड़ा रहा। काफी हैरान है, परेशान है, इसे खुद नहीं समझ में आ रहा था कि ये आखिर